इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट आज की तारीख में एक ऐसा खेल बन गया है कि भारत के अधिकांश लड़के ककहरा सीखने में तो एक साल भर लगा देते हैं, लेकिन क्रिकेट का बल्ला उठाने में किसी गुरु की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती। आज क्रिकेट इतना सर्वव्यापी खेल हो चुका है कि हिंदुस्तान की हर गली और हर कूचा इस खेल से रोशन है। भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीतकर जब फाइनल में प्रवेश किया तो ऐसा लग रहा था कि अनुभूति का आंगन आकाश में उतर आया हो। अरबों हिंदुस्तानियों को यह उम्मीद थी कि भारत के लड़ाके भारत के सर पर विश्व विजेता का ताज जरूर रख देंगे, लेकिन हमेशा की तरह भारत के लड़ाके अंतिम समय में अपना धैर्य खोकर धरातल पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस का आत्मविश्वास तो देखिए कि मैच के पहले उन्होंने कह दिया था कि स्टेडियम में बैठे 1,30,000 दर्शकों को मैं चुप कराने का प्रयास करूंगा, और उन्होंने वही किया। लेकिन भारतीय टीम 1,30,000 दर्शकों का समर्थन प्राप्त करने के बाद भी ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाई जिससे हिंदुस्तान का मस्तक पूरे विश्व में ऊँचा हो सके। ऐसा लगा कि भारतीय टीम ने टॉस हारने के बाद ही अपनी हार मान ली थी। रोहित शर्मा निश्चित तौर पर एक आक्रामक शिकारी की तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े, लेकिन जिस तरीके से वह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हुए उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि वह जीत के लिए नहीं बल्कि शोहरत के लिए खेल रहे थे। शुभमन गिल और अय्यर के खेल को देखकर ऐसा लगा जैसे यह दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम में विभीषण की भूमिका में खड़े थे। विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरीके से पारी खेली उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे यह भारतीय टीम को सुनहरा हार का खिताब पहनाने के लिए ही अहमदाबाद की पिच पर चहलकदमी कर रहे हैं। अगर विश्व के श्रेष्ठ रिकॉर्डधारी विराट कोहली और किंग कोहली भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हो गए तो फिर काहे के विराट। भारतीय लोग विराट को विराट तब मानते जब कंगारुओं की जबड़े से जीत निकालकर अरबों हिंदुस्तानियों के हाथ में जीत रख देते। भारतीय बैट्समैन ने तो निराश किया ही था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी कम निराश नहीं किया। सेमीफाइनल में जिस समी ने 7 विकेट लेकर अपना डंका बजाया था, फाइनल में वही समी डमी की तरह साबित हुआ। भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की आंख में आंख डालकर उनका विकेट लेने में नाकाम रहे। भले ही रिकॉर्ड के मानचित्र में गेंदबाज विश्व में एक बेहतर वरीयता के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसी वरीयता किस काम की जब हम ऐतिहासिक क्षणों में पूछ दबाकर हार का वरण कर ले। जिस ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में भारत ने इसी विश्व कप में हराया, उसी ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल मुकाबला हार गए। इससे यह बात साबित होती है कि हमारा दृढ़ संकल्प अभी भी जीतने का नहीं बल्कि रिकॉर्ड बनाने का है। यदि हमारा दृढ़ संकल्प जीत के लिए होता तो ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के ही मैदान से जीत कर ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाती। बेहतर होगा कि भारतीय कोच भारतीय खिलाड़ियों के सिरहाने पर संकल्प की एक मजबूत तकिया रखें जिसमें भारतीय खिलाड़ी दृढ़ संकल्प होकर जीत के प्रति अपनी भूख दिखाते हुए अरबों हिंदुस्तानियों को महत्वपूर्ण अवसर पर जीत की सौगात देने की आदत डालें। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।